अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर ऑल इंडिया यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के सदस्यों ने मंगलवार से बीएसएनएल कार्यालय के समक्ष 3 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू की, जिसका नेतृत्व एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश प्रताप मल ने किया। भूख हड़ताल पर बैठे सदस्यों का कहना था कि बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाए, पेंशन भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा थर्ड पे रिविजन को लागू किया जाए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसोसिएशन के राजेश प्रताप मल ने कहा, राजेश प्रताप मल, संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन का मैं जिला सचिव हूँ। देखिए, बीएसएनएल की जितनी भी यूनियन और एसोसिएशन है, सभी को आपसी तालमेल से ऑल इंडिया यूनियंस एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, भूख हड़ताल ये हम कर रहे हैं, जिसमें हमारी 3 प्रमुख मांगें हैं। जिसमें पहली मांग जो है बीएसएनएल के एम्प्लाइज़ के लिए है, सभी का पे रिविज़न हो गया और अभी तक थर्ड पे रिविज़न हम लोग का नहीं हुआ, और सरकार की मंशा जो है वो नहीं देने के लिए ऐसा उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया बना दिया कि जिसमें हम लोग छट गए। अब 2 तरह की कंपनियां होती हैं, एक तो टोटल बनाती हैं और बेचती हैं, प्रॉफिट करती हैं, और हम लोग सर्विस प्रोवाइडर फील्ड में आते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज 2 तरह का प्रोवाइड करते हैं, एक तो प्रॉफिट भी लेते हैं, दूसरा चैरिटी भी करते हैं। जैसे ऑल इंडिया का डिजिटल इंडिया का काम जो इस समय मोदी जी ने सौंपा हुआ है, उसका अहम भूमिका जो निभाया बीएसएनएल ने निभाया नोफन की केबल डालने में, एक तरह से हमारा चैरिटी वर्क है। पैसा उन्होंने दिया, बट ये मान चलिए कि उसमें हमारे जो इम्प्लाइज़ का जो बीएसएनएल का सैलरी वर्क जो था वो चैरिटी एक तरह से मान चलिए। दूसरी चीज़, सांसद विधायक सरकारी कंपनीज सभी को हम टेलीफोन कनेक्शन दें, उनको मेंटेन करते हैं, ये सब हमारा चैरिटी वर्क है। ग्रामीण पीसीओ देना, ग्रामीण वो ब्रॉडबैंड देना, ये सब चैरिटी वर्क है। तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो थर्ड पीआरसी है हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम केवल प्रॉफिट कंपनी नहीं है, हमें कुछ चैरिटी भी काम करते हैं, ये हमारी पहली मांग है थर्ड पीआरसी का, जो हमें मिलना चाहिए। दूसरी मांग जो हमारी है वो 4G स्पेक्ट्रम, आज की रेट में जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी कस्टमर हैं, वो लोग अपना मुंह मोड़ते जा रहे हैं बीएसएनएल से। उसके पीछे कारण यह है कि हमें पुरानी टेक्नोलॉजी दे दी गई है और उस पर हम काम कर रहे हैं। 4G स्पेक्ट्रम मिल जाएगा तो हम जियो को चाहे किसी को भी पछाड़ सकते हैं, हमें स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं हो रही है। दूसरी मांग, तीसरी मांग ये हमारी है कि जो हमारा पेंशन स्कीम है उसमें जो हमारी बैंडविड्थ होती है पेंशन की, हायर लोअर और हायर, तो जो हायर स्केल है उसके हिसाब से हमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है DOT को, और हमारा इस एम्प्लॉय रिटायर होता है लोअर स्केल पे, बीच की स्केल पे, और हम उसको देते हैं पैसा बीच स्केल पे और गवर्नमेंट को देते हैं हम ज़्यादा स्केल पे, तो हमारा उसमें जो पेंशन रिवीजन है वो सही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यही हमारी 3 मुख्य मांगे हैं, इसी को लेकर हम धरना ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये हमारे 3 दिन तक भूख हड़ताल चलेगी, और हम लोग अपनी मांग को कोशिश करेंगे सरकार से, हम लोग की भूख हड़ताल तो एक नम्र निवेदन है, जिससे कि अगर सरकार की आँख खुल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, कि बहुत लोगों का भला होगा, देश का भला होगा, ये देश की कंपनी का भला होगा।